दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माउंटेन यारे में। यू आर एब्सोल्युटली फाइन, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने काम से प्रिय। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी एक्सपल्स 200 2V के बारे में, जो कि मैंने कब कहाँ किससे परचेज की, इसकी पूरी डिटेल में दूंगा मैं आपको वीडियो में। तो ये मेरी फाइनली पहली एडवेंचर बाइक है, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में एक शामिल थी, वो फाइनली मैंने अपनी बकेट लिस्ट में एडवेंचर बाइक को फुलफिल कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सपल्स 200 2V के कुछ धमाकेदार फीचर्स। अगर आप भी इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। किन बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक्सपल्स 200 को परचेज किया है, क्या इसमें खूबियां हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। बिना किसी देरी के मिलते हैं हम आपको सीधे रूट पे। तो चलिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी रोड पर आ चुका हूं और अब आपको बताने वाला हूं इसके कुछ धमाकेदार फीचर्स जिसके चलते मैंने ये परचेज़ की। उससे पहले ये बाइक बहुत ही साइन मार रही है और एकदम बिल्कुल सेक्सी लग रही है। तो तब तक आप कीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय इस एक्सपल्स 200 2V के। तो दोस्तों फिलहाल आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय किए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी और डैम कूल लग रही है इस सिनेमैटिक शॉट में यहाँ पर एक्सपल्स 200। तो मैं बात करने वाला हूँ एक्सपल्स 200 की, जिन एडवांटेज के चलते मैंने एक्सपल्स 200 को परचेज़ किया, वो एडवांटेज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप भी डेफिनेटली एक एडवेंचर लवर हैं और एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बने रही वीडियो में अंत तक। तो बात करते हैं उन्हीं में से कुछ एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी ने सीएट का टायर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी रोड ग्रिप की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी रोड ग्रिप इस टायर में देखने को मिलती है। आप स्नो में ऑफ रोड हो या फिर बरसात में राइड करने वाले हो तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इस टायर में। ये टायर एकदम रोड से सट कर चलता है, तो डेफिनेटली टायरों से तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको इस बाइक में। अब बात करते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं एक्सपल्स में हीरो वालों ने कितना अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस देख रखा है, बिल्कुल एकदम ऑफ रोड के हिसाब से इस बाइक को डिजाइन किया हुआ है, जिसके चलते अगर आप कभी भी ऑफ रोड पर चलते हो तो आपको नीचे लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस इस बाइक का, और आप इस बाइक को के साथ बहुत इजीली ऑफ रोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हीरो वालों ने यहाँ पर इंजन गार्ड के रूप में एक मेटल प्लेट दे रखी है, ये प्लेट आपको ऑफ रोड में काफ़ी मदद करने वाली है। तो आप देख सकते हो इसके बीच में कितना स्पेस दे रखा है, अगर आपके यहाँ पर पत्थर भी हिट करता है तो जिसके चलते आपको इंजन को सेफ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इसके बीच का जो स्पेस है उसके चलते यहाँ पर जो फोर्स है उसका जो पावर है वो डेफिनेटली कम होने वाला है और आपको इंजन को कोई हार्म पहुंचने वाला नहीं है। तो काफ़ी अच्छी बात है एडवेंचर के हिसाब से। इस बाइक में ये मेटल प्लेट यहाँ पर हीरो वालों ने दे रखा है इंजन गार्ड के रूप में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं इसके एक और एडवांटेज के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो फुटरेस है, तो हीरो वालों ने देख सकते हैं आप कहीं पर एक्सट्रीम अगर एडवेंचर करते हैं तो वो आप देख सकते हैं, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, जिसके चलते आपको एक अच्छी पकड़ मिलने वाली है फुटरेस पर। तो इस बाइक को पूरा ऑफ रोड के हिसाब से हीरो ने डिजाइन किया है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो इसमें आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया हुआ है। इस सेगमेंट की बाइक में इस तरह के मीटर कंसोल कम ही देखने को मिलते हैं और हीरो ने इस मीटर कंसोल पर बहुत ही अच्छा काम किया। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, उन फीचर में आप देख सकते हैं गियर इंडिकेटर से लेकर इस बाइक का एवरेज भी आपको दिखाती है कि आप कितने का एवरेज इस बाइक से निकाल रहे हैं, या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैप का इस्तेमाल करते वक्त आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली यहां पर स्क्रीन पर आराम से आप नेविगेशन देख पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की।
तो यहाँ पर हीरो ने इसका काफ़ी कूल डैम लुकिंग यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा पर्सनली पसंद है। अगर आप इस बाइक के पूरी बॉडी को देखें तो हीरो ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। कुछ इसमें अतिरिक्त यहाँ पर मटेरियल हीरो ने दिया नहीं है, जिसके चलते अगर आपकी बाइक कहीं ऑफ रोड में गिर भी जाती है तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। कुछ टूट फूट वाली अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पर हीरो ने इस बाइक में दी नहीं है, और सामने से देखने पर यह बाइक आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा लगता है कि मानो इस बाइक को हम कहीं भी कितने भी ऑफ रोड पर यहाँ पर इस बाइक को चढ़ा सकते हैं, और काफ़ी एग्रेसिव लुक है यहाँ पर सामने पर देखने पर। तो यहाँ पर एक और अच्छा फीचर्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो, हीरो ने यहाँ पर नकल गार्ड दिए हुए हैं जो कि आपको हैंड को प्रोटेक्ट रखने वाले हैं। अगर आप कभी ऑफ रोड पर गिर भी जाते हो तो आपके कोई भी डैमेज होने का खतरा नहीं रहेगा आपके हाथ को। और तो अब बात करते हैं इस बाइक के फाइनल एडवांटेज के बारे में, और वो है इसका प्राइस मनी। इस बाइक की अगर आप और बाइकों के कंपैरिजन में तुलना करते हैं तो इसका प्राइस बिल्कुल आधा रह जाता है। तो वहीं इससे तो इस बाइक की तुलना में अगर आपको जो बाइक दुगने प्राइस पर मिलने वाली है वो है KTM 390 हो, या फिर एवरग्रीन रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, या फिर हो बजाज डोमिनार 400 जो कि हाल फिलहाल ही में बजाज ने अपनी एडवेंचर बाइक निकाली है। तो ये बाइक आपको कम कॉस्टली पड़ेगी और ये बाइक आपके लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप 390 या फिर हिमालयन के साथ जा सकते हो तो ये बाइक बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा हीरो की कि इस बजट सेगमेंट में उन्होंने इस बाइक को निकाला है, जो कि जिसके चलते मेरे लिए भी पॉसिबल हुआ कि मैं एक एडवेंचर बाइक परचेज करूँ। और इसके साथ आपको हीरो की रिलायबिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसके चलते आपको इसके पार्ट इजीली उपलब्ध हो जाएंगे, और हीरो की सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अगर इस बाइक में कोई भी ख़राबी आती है तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, हीरो के सर्विस सेंटर आपको इजीली यहां पर अपने नियर बाय शहर में देखने को मिल ही जाते हैं हीरो के सर्विस सेंटर। तो आपको इसके पार्ट संबंधी जैसी कोई भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यही बात इस बाइक को कुछ खास बनाती है और बाइकों की तुलना में। तो दोस्तों ये था इसका एक छोटा सा डिटेल रिव्यू। वैसे तो को मैं रिव्यू एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन जिन बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक्सपॉस 202 भी को परचेज़ किया है वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब इस बाइक को थोड़ा रन करते हैं रोड पर और देखते हैं किस प्रकार की परफॉर्मेंस इस बाइक से हमें देखने को मिलती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बाइक मैंने कब कहाँ और किससे परचेज़ की। मैं आपको बता दूं कि मैं इस बाइक का सेकंड ओनर हूं और मैंने ये बाइक किसी और से परचेज़ की है, वो बातें मैं आपको करूंगा सीधे रोड पर। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ। तो गाइस फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सुंदर धूप खिली हुई है, और इन सुंदर नज़ारों के साथ राइड करने का तो एक अपना अलग ही मजा है। फिलहाल इन बातों को साइड में रखकर बात करते हैं एक्सपल्स 200 की। तो बाइक के इंजन की बात की जाए तो काफ़ी स्मूथ रिफाइंड इंजन दिया हुआ है यहाँ पर हीरो ने, तो कोई भी अतिरिक्त वाइब्रेशन देखने को मिलेगा नहीं आपको इस हीरो के इस इंजन से, जो कि काफ़ी स्मूथ रिफाइंड और मक्खन बना रखा है यहाँ पर हीरो वालों ने। तो काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर हीरो के इंजीनियर्स ने यहाँ पर इसके एक्सपल्स 200 के इंजन के ऊपर, तो तारीफ करनी होगी। तो मैं बात कर रहा था इसके सॉकर सस्पेंशन की, तो नॉर्मल गड्ढों में तो पता नहीं चल रहा है कि बाइक जा भी रही है या नहीं, इतना अच्छा काम किया है यहाँ पर हीरो वालों ने, तो तारीफ करनी होगी यहाँ पर हीरो की। इसमें काफ़ी अच्छे सॉकर सस्पेंशन दिए हुए हैं, तो आपको ऑफ रोड पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हैं और इस बाइक को ऑफ रोड पर ले जाते हैं। तो जो इसका एग्रेसिव लुक है वो एकदम आपसे ये डिमांड कर रहा है कि बस मुझे चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, तो वही वाला हाल मेरा भी है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हमारे इधर काफ़ी अच्छी अब रोडें बन गई हैं, ऑफ रोड तो यहाँ पर बमुश्किल से देखने को मिलेगा, है नहीं कहीं। अगर ऑफ रोड के लिए जाना होगा तो 100 या 150 किलोमीटर दूर जाना होगा, वहीं पर मुझे ऑफ रोड मिल सकते हैं, वरना हमारे यहाँ तो लगभग सभी रोडें यहाँ पर अच्छी बना रखी हैं प्रशासन ने। लेकिन फिलहाल हम इसका जल्दी एक ऑफ रोड टेस्ट भी करेंगे। तो मैं आपको इसका एक मेजर एडवांटेज बताना भूल गया, और वो है इस बाइक का एक मेजर एडवांटेज, वो है इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंसी। ये बाइक काफ़ी अच्छा माइलेज आपको निकाल कर देगी,
और जहाँ तक मैंने वीडियो में या फिर इसका रिव्यू पढ़े हैं तो ये बाइक इजीली आपको 35-40 के बीच का इजीली आपको माइलेज निकाल कर देगी। हालांकि मैंने अभी इतना इस बाइक को राइड किया है नहीं, तो जल्दी मैं इसका एक माइलेज वीडियो भी आपके साथ लाने वाला हूँ। तो ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी देने वाली है। तो जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक्सपल्स 200 को परचेज करूंगा, जो कि मेरे एक बकेट लिस्ट में भी था, तो फाइनली मेरा बकेट लिस्ट यहां पर फुलफिल होता हुआ और मैंने एक एडवेंचर बाइक परचेज कर दी है। तो काफ़ी खुशी हो रही है यार, क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल की खुशी हो रही है। यहां पर मैंने अपनी एडवेंचर बाइक एक्सपल्स 200 को परचेज कर दिया है। जो इसके मेजर बेनिफिट्स थे मैंने वो आपको बता दिया, जैसे माइलेज, स्पेयर पार्ट्स हो या फिर हीरो की रिलायबिलिटी हो या फिर माइलेज हो, ये सारे फीचर्स आपको एक एडवेंचर बाइक में देखने को मिलते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, अगर इतने फीचर्सों के साथ हिमालयन, और वो सबसे बड़ा जो इसका प्राइस मनी है ऑलमोस्ट आधा रह जाता है और बाइकों की तुलना में। तो जल्दी ही मैं कुछ लॉन्ग ट्रिप भी करने वाला हूँ, आई होप बहुत मजा आने वाला है एक्सपल्स 200 में। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये बाइक कब, कहाँ और किससे परचेज की। तो मैंने ये बाइक परचेज की मुझे लगभग अभी 2 ही दिन हो रहे हैं। एक दिन पहले मैं इस बाइक को परचेज किया और कल मैं घर ही पर था, और आज मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे परचेज करने के लिए जो मेरे पास, आपने देखा होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, तो अपाची RTR 160 थी, जो कि जिसको कि मैंने सेल कर दिया। और उसका सेल करने का यही मोटिव था कि हालांकि उस बाइक में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, काफ़ी अच्छी बाइक थी वो भी, लेकिन मुझे चाहिए थी एक कंप्लीट एडवेंचर बाइक जो कि मुझे माइलेज भी दे सके। तो जिसके चलते मैंने उस बाइक को सेल किया। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने उस बाइक को सेल किया और उसी के ऑलमोस्ट जितने में सेल किए उसी के प्राइस में मैंने ये बाइक भी परचेज की। और मैं आपको बता दूं कि ये बाइक 2021 का मॉडल है, वो भी 2021 का ही मॉडल था, और इस बाइक को अभी 1 साल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बाइक मैंने देहरादून से परचेज की थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोस्त तनुज का, जो कि मेरे साथ देहरादून आया, और हम उस दिन का वीडियो ब्लॉग मैंने डाला नहीं, सुबह 4 बजे अपने घर से रवाना हुए थे और ऑलमोस्ट 8:30 बजे हम देहरादून पहुंच गए थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तनुज का अगर वो ये वीडियो देख रहा है। तो इससे जो मैंने पिछली बाइक परचेज की थी अपाची 160, तो उसमें तो मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा हिमांशु भंडारी का, जो कि उस बाइक को परचेज करने के लिए गोपेश्वर गया। वो बाइक मैंने सेकंड हैंड ही परचेज की थी, वो भी मैं तो उस बाइक को परचेज करने के लिए मैं तो उस टाइम घर पर था नहीं, तो मैं उस टाइम दिल्ली था, मैंने उससे बात कर रखी थी। तो वो गोपेश्वर गया और वहाँ से उस बाइक को सेल करके लाया, और उसके साथ कान्हा भी था, तो धन्यवाद दोनों का। तो बात की जाए इस बाइक की कॉर्नरिंग, तो इसमें यहाँ पर पाइप हैंडल बार दिए हुए हैं, और इसकी कॉर्नरिंग काफ़ी शार्प कॉर्नरिंग यहाँ पर हीरो वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके हैंडल बार पर काफ़ी शार्प कॉर्नरिंग यहाँ पर आपको इस हैंडल बार से देखने को मिलेंगे, और इस बाइक से भी। तो ओवरऑल बात की जाए इस बाइक को, तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, और इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक और इस प्राइस मनी में शायद ही आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो अभी तक इस बाइक को चलाने पर मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर फील हो रहा है। और तो आई होप ये मेरी एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर आपका भी दोस्त कोई एडवेंचर बाइक लेना चाह रहा है तो उसके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं तब तक किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।